टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया के हार के बाद एक बार फिर से मैनेजमेंट के अंदर मंथन चालू है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भारतीय टीम का प्रदर्शन वर्ल्ड कप में खराब रहा है। भारतीय टीम सेमीफाइनल से पहले सिर्फ एक ही मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारी है। बाकी सभी मैचों में भारतीय टीम जीत के साथ अपने ग्रुप के टेबल में टॉप पर बनी रही, लेकिन इंग्लैंड के सामने सेमीफाइनल में भारतीय टीम बिल्कुल पस्त नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमजोर टीम पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए हों। खैर, सेमीफाइनल में हार तो मिली, लेकिन अब भारतीय टी20 क्रिकेट टीम में छटनी का दौर शुरू होने वाला है। आपको शायद ही पता होगा कि इस बार टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम बुजुर्गों की टीम में से एक थी। ज्यादातर की औसत आयु 30 के ऊपर ही थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि टीम के सीनियर खिलाड़ियों को टी20 का फॉर्मेट छोड़ देना चाहिए और ज्यादातर युवाओं को इसमें मौका मिलना चाहिए। बीसीसीआई भी इस मामले में विचार कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया से वापसी के बाद रोहित, विराट और कोच द्रविड़ को बीसीसीआई ऑफिस में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। वहीं अब इसी कड़ी में एक और पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने इन सीनियर प्लेयर्स को लेकर एक बयान दे दिया है और टी20 को छोड़ देने की सलाह दे डाली है। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पेनेसर ने कप्तान रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक और रविचंद्रन अश्विन से युवा खिलाड़ियों के लिए जगह खाली करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूर्व कप्तान विराट कोहली फिट हैं और वह आगे भी खेलना जारी रख सकते हैं और वैसे भी रन मशीन ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। मोंटी पनेसर ने यह बात टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में कही है। उन्होंने सेमीफाइनल में भारत के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा, भारत ने सभी को निराश किया और मुझे लगता है कि कुछ रिटायरमेंट आने वाले हैं। ईमानदारी से कहें तो भारत ने सेमीफाइनल में फाइट ही नहीं किया, यह पूरी तरह से एक तरफा मैच रहा। बटलर और हेल्स के सामने भारतीय गेंदबाजी बेबस नजर आई। आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं और आपको कड़ी टक्कर देने की जरूरत है। 168 कोई छोटा स्कोर नहीं होता। मोंटी पेनेसर ने आगे कहा, रोहित, दिनेश कार्तिक और आर अश्विन ये ऐसे नाम हैं जो टी20 क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। टीम प्रबंधन निश्चित रूप से इन लोगों के साथ बैठक करेगा और उनसे उनकी योजना के बारे में पूछेगा। यह समय है जब ये खिलाड़ी युवाओं के लिए जगह खाली करे। हालांकि मोंटी पेनेसर ने किंग कोहली की तारीफ जरूर की और करे भी क्यों ना, क्योंकि किंग कोहली ने यह साबित किया कि वे दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों में से एक हैं। इस टूर्नामेंट में कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और वे भारतीय टीम के सबसे फिट खिलाड़ी भी हैं और अपने फिटनेस का हमेशा ख्याल भी रखते हैं। मोंटी पेनेसर ने किंग कोहली की तारीफ करते हुए कहा, विराट शानदार फॉर्म में है, वह सभी भारतीय खिलाड़ियों में सबसे फिट हैं। विराट के फिटनेस को देखते हुए उनके लिए उम्र सिर्फ एक संख्या है। आप उन्हें 2024 टी20 विश्व कप में देख सकते हैं। तो इस तरह से सेमीफाइनल में हार के बाद कुछ सीनियर खिलाड़ियों को अब टी20 छोड़ देने की सलाह दी जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, कप्तान रोहित शर्मा, आर अश्विन, दिनेश कार्तिक जैसे सीनियर खिलाड़ियों को टी20 का फॉर्मेट छोड़ देना चाहिए या नहीं?